और देखिए सीकर के खाटू श्याम जी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खाटू श्याम जी में बाबा श्याम के मासिक मेले में भगदड़ मच गई है। मंदिर का प्रवेश द्वार खोलते ही भीड़ का दबाव बढ़ने से भगदड़ मच गई और भगदड़ में 3 महिलाओं की मौत हो गई और कई घायल हो गए, ये भी सूचना। अभी 2 महिलाओं की नहीं हुई है शिनाख्त। खाटू श्याम जी CHC की मोर्चरी में शवों को रखवाया गया है। थानाधिकारी रिया चौधरी मौके पर पहुंचे हैं। और देखिए आपको बड़ी खबर फर्स्ट इंडिया पर बता रहे हैं, सीकर के खाटू श्याम जी से खबर है जहां भगदड़ मच गई। और देखिए भगदड़ में 3 महिलाओं की मौत भी हो गई, वहीं कई लोग घायल हो गए, ये भी सूचना। हालांकि थानाधिकारी रिया चौधरी मौके पर पहुंची हैं और 2 महिलाओं की शिनाख्त नहीं हो पाई है। और खाटू श्याम जी CHC की मोर्चरी में शवों को रखवाया गया है। और देखिए जैसे ही प्रवेश द्वार को खोला गया वैसे ही भगदड़ का नजारा सामने आया और खाटू श्याम जी में बाबा श्याम के मासिक मेले में भगदड़ मची है। बहुत बड़ी खबर ये, क्योंकि देखिए भगदड़ किस तरह से मच गई। खाटू श्याम जी मंदिर के प्रवेश द्वार खोलते ही भगदड़ का नजारा, दिल दहला देने वाली ये पूरी घटना। क्योंकि देखिए भक्त एक श्रद्धा भाव के साथ, उत्साह के साथ जहां मासिक मेले में शामिल होने के लिए आते हैं और ऐसे में ये दर्दनाक घटना सामने आई। हालांकि ये भी चिंता का विषय है कि मौतों का आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है क्योंकि कई लोग घायल हैं और ऐसे में ये भी सोचने वाली बात कि उन घायलों की स्थिति कैसी, क्या गंभीर हालत में वो लोग हैं। 3 महिलाओं की इस भगदड़ से मौत हो गई तो वहीं अभी 2 महिलाओं की शिनाख्त नहीं हो पाई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सीकर के खाटू श्याम जी से। खाटू श्याम जी CHC में हालांकि मोर्चरी में जो है शवों को रखवाया गया है। और देखिए जैसे ही प्रवेश द्वार को खोला गया वैसे ही भगदड़ मच गई। बाबा श्याम के मासिक मेले में उमड़े थे ये लोग, प्रवेश द्वार खोलते ही भीड़ का दबाव ऐसा बना कि भगदड़ मच गई। अब सोचने वाली बात ये भी कि क्या व्यवस्थाएं नहीं की गई थी। और इसी पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रमेश भी हमारे साथ जुड़ गए। रमेश, आप लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं, अभी क्या जानकारी? बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि शवों को रात के चिकित्सालय में रखवाया गया है जिनमें अभी तक पहचान नहीं हो पाई है और ये महिला भक्त है, अभी इनकी पहचान करना बाकी रहेगा। लेकिन सबसे बात बड़ी बात करें तो कहीं कहीं व्यवस्थाओं को लेकर के एक सवाल या निशान लगता है क्योंकि एकादशी और द्वादशी को बाबा का बड़ा मेला होता है, मासिक मेला होता है और इसमें लाखों की भीड़ होती है, तो इंतजाम काफी नहीं थे जिला प्रशासन की ओर से या मंदिर कमेटी की ओर से, जिसके चलते ये भगदड़ मची। क्योंकि भगदड़ बच करके अगर किसी की मौत होती है तो निश्चित रूप से इंतजामों में कमी होती है और यही चीज यहाँ खाटू श्याम जी में देखने को मिला कि श्याम मंदिर कमेटी की ओर से यहाँ इंतजाम इतने काफी नहीं थे कि एकादशी की भीड़ में भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। और जैसे ही बाबा का पटकुला एकादशी थी और ये भगदड़ मची और भगदड़ में इन 3 महिलाओं की मौत हुई है। रमेश, 2 सवाल यहाँ पर मेरे आपसे रहेंगे। पहली बात तो ये कि प्रशासन क्या कह रहा है इस पूरी घटना को लेकर के, क्योंकि जिस तरह से व्यवस्थाएं करनी चाहिए थी उस तरह की व्यवस्थाएं नहीं की गई। और दूसरी बात ये कि अभी घायलों की स्थिति कैसी है, क्योंकि कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। घायलों का प्राथमिक उपचार चल रहा है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है और भीड़ का दबाव इतना ज्यादा था जिससे कि ये भगदड़ मची है। और जहां तक है प्रशासन का कि व्यवस्थाओं को लेकर के, तो व्यवस्थाओं में कहीं कहीं प्रशासनिक कमियां रही है। हर बार यही कहा जाता है कि व्यवस्थाओं में सुधार होगा, लेकिन एकादशी को देखा जाता है कि यही हालात होती है और दबाव भीड़ का इतना ज्यादा रहता है कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए इतनी पुलिस फोर्स यहाँ तैनात नहीं रहती है, ना यहाँ के मंदिर कमेटी के लोग या जिसको स्वयं सेवक कह सकते हैं वो इतने तैनात रहते हैं कि भीड़ को कंट्रोल कर सके या 40-40 या 50-50 के लोगों के जत्थे को मंदिर परिसर में भेजा जा सके। क्योंकि भीड़ अनियंत्रित होती है और अनियंत्रित भीड़ होती है उसी का कारण रहा है कि आज ये इतना बड़ा हादसा हुआ है। रमेश, ये भी आपसे जानकारी चाहेंगे क्योंकि आज जो है मासिक मेले का दिन था, एकादशी भी थी, तो ऐसे में वहां पर काफी संख्या में लोग मौजूद थे। क्या कोई जानकारी कि कितने संख्या में वहां पे लोग मौजूद थे जब ये भगदड़ मची?
मैं बताना चाहूंगा कि एकादशी का दिन ऐसा होता है जहां लाखों की भीड़ होती है। ये कहना जल्दबाजी होगा कि कितने लोग थे, लेकिन ये माना जाता है 2.5 से 3 लाख लोग बाबा के दर्शन एकादशी के दिन करते हैं और सुबह सुबह सभी कोई चाहता भी है कि बाबा के जल्द ये श्रृंगार आरती होती है उसके दर्शन करें। तो यही कारण रहा कि सुबह जब बाबा का पट खुला तो भीड़ इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि उसको नियंत्रित नहीं किया जा सका। जी रमेश, क्योंकि 3 महिलाओं की मौत भी हो गई, हालांकि 2 महिलाओं की शिनाख्त नहीं हो पाई, जो 1 महिला इस दौरान जो मृतक है उनकी कोई पहचान, कौन है महिला, कहां से आई थी और क्या उनके परिजनों को इस बारे में सूचित कर दिया गया है? देखिए परिजनों को इसकी घटना की जानकारी दी गई है, परिजन भी पहुंच रहे हैं और सबसे बड़ी बात ये जो देखने में आई इसमें कि जो इस मेले में कोई ये रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है कि मैं महिलाएं नहीं, इसके अलावा बच्चे भी होते हैं, तो भीड़ में बच्चों की हालत स्थिति है वो भी दबाव की रहती है और महिलाएं थी वो इतनी भीड़ को सहन नहीं कर पाई और जैसे ही दबाव बढ़ा और भगदड़ महिलाएं नीचे गिरी, नीचे गिरते ही भगदड़ मची, भगदड़ के कारण से ये तीनों की मौत हुई। जी अच्छा रमेश, आपसे तस्वीरें भी हम चाहेंगे कि कुछ हमको समझाइए कि देखिए जब खाटू श्याम जी बाबा का जो प्रवेश द्वार खुला वैसे ही भगदड़ मच गई, तो ये जो भगदड़ थी इस पर कितनी देर में काबू पा लिया गया और क्या फिलहाल वहां पर तस्वीरें बनी होगी अगर आप हमें समझा सके? मैं बताना चाहूंगा कि भगदड़ जब मची उस समय कंट्रोल नहीं किया जा रहा, कंट्रोल करने में काफी समय लगा क्योंकि जिला पुलिस वहां मौके पे पहुंची, पुलिस का जाब्ता अतिरिक्त वहां मौके पे पहुंचा और जब तक कि स्वयंसेवक पहुंचते या पुलिस का जाब्ता अतिरिक्त पहुंचता तब तक ये हादसा हो चुका था। ये बड़ा हादसा है, एक दर्दनाक हादसा है और इस हादसे से सबक भी लेना होगा कि इस तरीके का हादसा दोबारा नहीं हो, क्योंकि बाबा श्याम का मेला ऐसा मेला है जहाँ हर वर्ष लाखों लोग आते हैं और मेले के दौरान तो 40 से 50 लाख लोग तक यहाँ बाबा के दर्शन करने पहुंचते हैं, लेकिन एकादशी या द्वादशी की बात करें या शनिवार या इतवार की बात करें तो इस दिन एक विशेष मेला होता है जिसमें 2.5 से 3 लाख लोग होते हैं बाबा के दरबार में दर्शन करने के लिए। लेकिन जिस तरीके से श्याम भक्तों की एक व्यवस्था यहाँ होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से वो व्यवस्थाओं को अंजाम यहाँ नहीं दिया गया और लगातार ये हादसा था ये बढ़ता गया और 3 की मौत हुई है। तो अभी फिलहाल क्या तस्वीरें, क्या वहाँ पर अभी जो है दर्शनों के लिए लोगों को रोक दिया गया है? फिलहाल दर्शनों के लिए लोगों को रोका गया है, थोड़ी व्यवस्थाएं हैं वो अंजाम दी गई है, लेकिन जिस तरीके से एक ये सुबह सुबह दर्दनाक हादसा और बाबा के दरबार के सामने ये चीजें हुई है सारी, क्योंकि मेला भी चल रहा था बाबा का, लगातार भीड़ बढ़ रही थी तो उसी से ये हुआ है, लेकिन दर्शनों की व्यवस्था है वो अभी फिलहाल कुछ समय के लिए रोकी गई है। अच्छा प्रशासन की ओर से कोई जानकारी कि अभी कितने लोग घायल है, कोई भी इस तरह का कोई जानकारी सामने निकल करके आ रही है कि कितने लोग इस हादसे में हताहत हुए हैं? प्रशासन ने अभी तक करीबन 3 से 4 लोगों को और घायल होने की सूचना दी है, लेकिन घायलों की संख्या है या जो भीड़ के कारण दबाव बढ़ा वो संख्या अभी बढ़ सकती है, क्योंकि हॉस्पिटल में अभी लोग पहुंच रहे हैं, क्योंकि जब भगदड़ मची है तो कई लोगों को चोटें भी आई है। ये कहना जल्दबाजी होगा कि कितने लोग अभी हैं, लेकिन इनमें अभी आंकड़ा और बढ़ सकता है। रमेश, क्योंकि आप पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं इसलिए आपसे समझना चाहेंगे कि देखिए इस तरह की जब घटनाएं होती है तो बहुत ही दर्दनाक मंजर देखने को सामने आता है जहां श्रद्धालु बड़े उत्साह के साथ मंदिर में दर्शनों के लिए पहुंचते हैं, ऐसे में 3 महिलाओं की मौत हो जाना, आपको क्या लगता है कि और क्या क्या जिला प्रशासन के द्वारा इंतजाम किए जा सकते हैं ताकि ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाया जा सके? देखिए पहली बात तो यह है कि खाटू नगरी एक ऐसी है कि जहाँ रास्ते हैं काफी तंग हैं, सकरी गली, अगर इस तरीके के हादसे वहाँ होते हैं तो एक साथ हॉस्पिटल तक जल्द पहुंचाना एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि इस तरीके से कोई एग्जैक्ट इस तरीके का नहीं है कि तुरंत उनको व्यवस्थाएं मिले। तो अभी सबसे पहली बात तो ये होगी कि जो व्यवस्था है उसमें काफी बदलाव की आवश्यकता है, जो बदलाव होने चाहिए समय पे लेकिन अभी तक नहीं हो पाए। इनको श्याम भक्तों को अच्छे से सुलभ दर्शन हो, अच्छे से बाबा श्याम के दर्शन कर सके, इसके लिए काफी बदलाव करने यहाँ जरूरी होंगे। मैंने बात की आपको रास्तों को लेकर के, सकरी गलियां हैं वहाँ हॉस्पिटल में पहुंचना जल्द नहीं हो सकता इस तरीके कोई हादसे हो। इसी के अलावा अन्य जो व्यवस्था है जिस तरीके से बैरिकेडिंग है, बैरिकेडिंग की व्यवस्था स्थायी रूप से होनी चाहिए लेकिन वो अभी तक नहीं हो पा रही है। तो कहा जा सकता है कि अभी मंदिर कमेटी को इस बारे में काफी निर्णय लेंगे जिला प्रशासन के साथ बैठ करके, और राज्य सरकार को भी इस बारे में सोचना होगा कि जिस तरीके से बाबा श्याम के भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही है उस हिसाब से व्यवस्थाओं को अंजाम देना होगा जिससे कि आगे ये हादसा कभी नहीं हो। अच्छा रमेश, एक और सवाल मेरा आपसे रहेगा, क्या खाटू श्याम जी बाबा के दर्शन के दौरान क्या पहले भी कभी ऐसी तस्वीरें सामने निकल कर आई हैं और क्या इसको लेकर के कभी कोई कमेटी गठित की जा चुकी है पहले कभी अगर बात की जाए तो? बात करें तो हादसा काफी पुराना था, उस समय गैस सिलेंडर वहां फटे थे लेकिन कोई जनहानि नहीं हुई थी। मेले के दूसरे दिन ऐसा हादसा हुआ था जिसमें गैस सिलेंडर फटे थे लेकिन जनहानि नहीं हुई थी। आज के जो हादसा है वो एक सबक देता है कि इस तरीके से जनहानि जो हुई है
वो काफी गंभीर मामला है, शोचनीय विषय है, चाहे वो जिला प्रशासन का हो, राज्य सरकार का हो या श्याम मंदिर कमेटी का हो, लेकिन मिलकर के सारी व्यवस्थाओं को अब अंजाम देना पड़ेगा। क्योंकि कई बार देखते हैं कि रिंगस से लेकर खाटू श्याम जी तक पूरा जाम लग जाता है, वाहन निकल नहीं पाते, वन वे जो रास्ते समय पर किए जाने चाहिए वो वन वे रास्ते अभी तक नहीं हो पा रहे हैं, और एक जो कहा जा सकता है कि यातायात व्यवस्थाओं के अलावा अन्य कई व्यवस्थाएं ऐसी है जो अब आवश्यकता पड़ गई है, क्योंकि श्याम भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही है और बढ़ती संख्या को देखते हुए काफी बदलाव अब करने जरूरी हो गए हैं। जी अच्छा रमेश, यहाँ मेरा आपसे एक और सवाल रहेगा, क्योंकि हर माह एकादशी को वहाँ पर एक मेला सा जुड़ता है, तो अगर बात की जाए एकादशी की और आम दिनों की, तो क्या नज़ारा देखने को मिलता है और क्या फर्क एकादशी वाले दिन का और अन्य दिनों का? एकादशी का एक विशेष महत्व है कि एकादशी को दर्शन करने से एक शुभ माना जाता है, बाबा का एक जन्मदिन होता है कि भाई एकादशी के दिन सब लोगों की एक इच्छाएं होती है कि एकादशी को ही बाबा के दर्शन हो, एक विशेष महत्व एकादशी का होता है। आम दिनों की अगर बात करें कहीं कहीं तो अब आम दिनों में भी भीड़ बढ़ने लगी है, ऐसा नहीं है कि आम दिनों में भीड़ नहीं रहती है, केवल एकादशी को ही रहती है। एकादशी को भीड़ है वो बढ़ जाती है, मानिए कि अगर आम दिनों में 1 लाख भक्त दर्शन करते हैं तो एकादशी को ये आंकड़ा 3-4-5 लाख तक भी पहुंच जाता है, और जब बाबा का फागुनी मेले की बात करें तो ये आंकड़ा बढ़ करके 40-50 लाख लोगों तक पहुंचता है। तो एकादशी के दर्शन है वो एक विशेष दर्शन माने जाते हैं, और उसी के चलते लोगों की एक आस्था जुड़ी हुई है और एकादशी को भक्तों की संख्या है वो लगातार बढ़ती है। तो रमेश, क्या ये मान सकते हैं कि आम दिनों में जो व्यवस्थाएं प्रशासन की ओर से की गई है वो जो है वो पूरी है, और आज एकादशी को देखते हुए उस तरह की तैयारियां नहीं की गई थी? मेरा तो सीधा सा कहना है कि आम दिनों में भी वो व्यवस्थाएं अभी तक भक्तों को नहीं मिल पा रही है जो मिलनी चाहिए, लेकिन आम दिनों में भक्तों की भीड़ थोड़ी कम होती है तो एक भीड़ का दबाव है वो कम रहता है, लेकिन व्यवस्थाएं अगर एकादशी को लेकर करें तो निश्चित रूप से एकादशी की व्यवस्थाएं हैं वो अभी तक नहीं हो पा रही है। इससे पिछली बार जो एकादशी की व्यवस्थाएं थी उसमें भी हालात ऐसे बने थे कि भीड़ का दबाव बढ़ गया था, लेकिन उस समय ऐसी घटना नहीं हुई थी कि भगदड़ मची हो, लेकिन आज जो व्यवस्थाएं थी वो एक सीधा सा मेरा जिला राज्य सरकार और जिला प्रशासन पे भी आरोप है कि व्यवस्थाओं में कमी रही है, श्याम मंदिर व्यवस्थाओं को नहीं दे पा रहा है श्याम कमेटी, और अगर ये समय रहती व्यवस्थाएं होती तो ये हादसा नहीं होता। जी तो रमेश, अगर इस तरह की घटनाएं कभी हो जाती है तो इसको जो है इस पर नियंत्रण करने के लिए वहाँ पे कैसी स्थिति रहती है? क्या पुलिस का जाप्ता भी वहाँ तैनात रहता है? किसी तरह के प्रबंध किए जाते हैं? देखिए एकादशी को पुलिस का जाप्ता है वो जरूर बढ़ाया जाता है, वो एक स्थायी जाप्ता वहाँ नहीं है कि भाई एक स्थायी व्यवस्था है पुलिस की ओर से वहाँ के जाप्ता बढ़ाया गया। हाँ, एकादशी को अतिरिक्त जाप्ता थाने की ओर से मंगवाया जाता है जिससे कि श्याम भक्त है उनको नियंत्रित किया जा सके, भीड़ को नियंत्रित किया जा सके, लेकिन खाटू श्याम जी थाने की बात करें तो एकादशी को छोड़ करके एक साधारण सा जाप्ता है वो खाटू श्याम जी थाने में थाने का जाप्ता लगता है, बाकी अतिरिक्त जो जाप्ता है वो केवल एकादशी के दिन ही लगाया जाता है, उसमें भी अतिरिक्त जाप्ते में भी इतनी बड़ी संख्या नहीं होती है वो नियंत्रित कर सके, क्योंकि भीड़ अगर 3 लाख की होती है तो आपको कम से कम भी 300 जवान या 250 जवान वहाँ चाहिए, तो 250 या 300 पुलिस के जवान वहाँ तैनात नहीं होते हैं। जी रमेश, तस्वीरों को भी आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि देखिए भगदड़ मची है, तो भगदड़ मचने के बाद क्योंकि आपने कहा कि अतिरिक्त पुलिस जाप्ता भी तैनात रहता है, ऐसे में कितनी दूरी पर जो है पुलिस का जाप्ता तैनात रहता है प्रवेश द्वार से? देखिए मैं बताऊं कि प्रवेश द्वार से लेकर के अगर मेला ग्राउंड तक अपन आते हैं तो जो भक्तों की संख्या होती है जिस हिसाब से पुलिस का जाप्ता लगना चाहिए, श्याम मंदिर कमेटी के जो लोग होते हैं उनका जो जाप्ता लगना चाहिए वो जाप्ता काफी नहीं होता, नाकाफी होता है, केवल जाप्ता मेले ग्राउंड तक होता है। मेले ग्राउंड के बाहर जैसे लाला मांगेराम की धर्मशाला से अपन तारणखेत की ओर चलते हैं या रिंगस रोड की ओर आते हैं तो वहाँ अभाव होता है जाप्ते का, चाहे वो पुलिस का जाप्ता हो और चाहे वो श्याम भक्तों का जाप्ता हो, कोई भी जाप्ता ऐसा वहाँ नहीं होता है जिसे नियंत्रित करे, और जब दबाव बढ़ता है तो दबाव केवल 75 फीट मेले में आते ही दबाव शुरू हो जाता है, और वहां से अगर दबाव आप नियंत्रित नहीं कर पा रहे हो तो ये हादसा होना तय था, और यही कारण रहा कि 75 फीट मेले पे आते आते दबाव इतना ज्यादा बढ़ गया, भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ गई कि आप भीड़ को नियंत्रित नहीं कर पाए और ये हादसा हुआ है, जबकि भीड़ नियंत्रित 75 फुट मेले से पहले अगर भीड़ नियंत्रित हो जाती है तो ऐसे हादसे नहीं होते। अमूमन हम देखते हैं कि जैसे श्याम बाबा के मेले में अगर व्यवस्थाओं को अंजाम करें तो तारणखेत होता है, तारणखेत के अलावा तोरण गेट पे अतिरिक्त जाप्ता होता है, तो ये एक लंबी लाइन बनती है जो दर्शन कराए जाते हैं, लेकिन वो व्यवस्थाएं केवल खाटू मेले के अंदर ही दी जाती है, लेकिन अब एकादशी रमेश थानाधिकारी रिया चौधरी भी वहां मौके पर पहुंची है, इसके अलावा किसी और के पहुंचने की कोई जानकारी घटनास्थल पर? जैसे ही हादसे की बात हुई है जिले के प्रशासनिक अधिकारी वहाँ पहुंच रहे हैं, SDM वहाँ पहुंच रहे हैं, बाकी जो बड़े प्रशासनिक अधिकारी वो पहुंच रहे हैं, हादसे की भी जांच होना है क्योंकि ये जांच का विषय है कि आखिर हुआ तो क्यों हुआ, ये एक जांच अलग से होगी, जिला प्रशासन भी अपनी बात करेगा,
लेकिन कहने का मतलब साफ साफ ये रहा कि ये हादसा है, ये दुखद हादसा है, चाम भक्तों की मौत हुई है, निश्चित रूप से इस पर सोचना पड़ेगा, एक बार पुनः सब लोगों को मिलकर बैठना पड़ेगा, कमेटी की व्यवस्थाओं के अंजाम को देखना पड़ेगा। लेकिन ये कि दुखद हादसा है कि एक धार्मिक स्थल पर इस तरीके से भीड़ का बढ़ना और भगदड़ मच करके मौत हो जाना एक शोचनीय विषय होगा। रमेश, क्या ये जो घटना पूरी हुई तो क्या ये बड़ी दुर्घटना में तब्दील हो सकती है? क्या लगता है, अगर बात की जाए मौतों के आंकड़ों की या फिर घायलों के आंकड़ों की, तो कहां तक ये संख्या पहुंच सकती है? क्या एक बड़ा नंबर निकलकर सामने आएगा, बड़ा आंकड़ा निकलकर सामने आएगा? बड़ा आंकड़ा तो नहीं आएगा सामने निकल करके, कि जो महिलाएं और जो यहाँ एडमिट हुए हैं वो इस तरीके की गंभीर अवस्था में नहीं है कि उन्हें जयपुर रेफर किया जाए या सीकर रेफर किया जाए, लेकिन जो दबाव बना और जिस तरीके से अचानक ये सब कुछ हुआ, इसे लगता है कि कहीं न कहीं अब व्यवस्थाओं को अंजाम देना पड़ेगा। अब चाहत यही होगी कि बाबा की नगरी में जो ये मौत का आंकड़ा है ये नहीं बढ़े और बाकी जो लोग हैं वो सकुशल अपने घरों को लौटे, तो ये भी एक प्रार्थना रहेगी कि अभी ये मौत का आंकड़ा नहीं बढ़े। जी, अच्छा, इसके अलावा जो महिला की मौत हुई है उनकी परिजनों की तरफ से कोई बयान सामने आया रमेश? क्योंकि परिजन अभी पहुंचेंगे, सौं को राजकीय चिकित्सालय में रखवाया गया है। अभी देखिए, अभी इस तरीके का कहना जल्दबाजी होगा कि परिजन इस पे किस तरीके का विरोध दर्ज कराते हैं या नहीं कराते हैं, क्योंकि बाबा श्याम की नगरी है, आस्था का बड़ा केंद्र है, तो लगता नहीं कि परिजन इस मौत को लेकर के कोई अपना विरोध या हंगामा करेंगे। फिर भी परिजनों के आने के बाद सारी स्थिति क्लियर होगी कि वो सब लेंगे या नहीं लेंगे, ये बाद की बात है। लेकिन परिजन अभी पहुंचेंगे, सौं का पंचनामा भी होगा, मोर्चरी में धीरे धीरे श्याम भक्त भी जुट रहे हैं, तो देखिए अब आगे क्या निकल करके आता है, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि धार्मिक नगर में किसी नगरी में किसी तरीके का धरने प्रदर्शन या इस तरीके की बात हो, लेकिन फिर भी परिजनों के आने के बाद ही सब कुछ तय हो पाएगा। रमेश, क्योंकि बड़ी दुर्घटना एक तरह से मान सकते हैं, तो क्या समय रहा होगा जब ये भगदड़ मची, अगर आपसे समय की बात की जाए तो? बाबा का 5:30 बजे बाबा के दर्शन खुलते हैं, पट खुलते हैं, श्रृंगार आरती होती है, पर्दा लगता है, तो 15 से 20 मिनट तक श्रृंगार आरती भी होती है, पर्दा भी लगता है। इन सारी व्यवस्थाओं की बात करें तो 6:15 बजे के बीच ये दबाव भीड़ का बड़ा था, क्योंकि सुबह सुबह मैं पट खुलता है तो वैसे भी भक्तों की संख्या ज्यादा रहती है, क्योंकि हर कोई श्रृंगार आरती का दर्शन भी करना चाहेगा और सुबह सुबह हर कोई इंसान ये भी चाहेगा कि वो जल्द से जल्द बाबा के श्याम के दर्शन करें, तो सुबह का समय था और सुबह ये पट खुलते ही ये बड़ा हादसा हुआ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रमेश तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, रोते बिलखते भी अब लोग नजर आ रहे हैं। और देखिए, खाटू श्याम जी में जब बाबा श्याम के मासिक मेले में लोग जुटे तो किस तरह की घटना सामने आई, और 3 महिलाओं की इस भगदड़ में मौत भी हो गई।